बोले भगवान अपने पति का कुछ बात उसी से करनी है अपने पति का उसी से करनी है जब जब आप देखा और सोई एक नागिन बोली अब ये मरना चाहता है अब ये बच नहीं पाएगा। उसी समय एक नागिन ने कालिया नाग जैसी पूंछ पर हाथ रखा गजब हो गया। गजब ये हुआ और जैसे उठा भगवान कन्हैया के शरीर से कालिया नाग लिपट गया और लिपटने के बाद में भगवान कन्हैया बोले अरे ये क्या हो गया। तो श्याम सुंदर ने अपना इतना शरीर गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद में जब गर्माहट सहन नहीं भई कालिया नाग नीचे गिरा। गिरने के बाद भगवान कन्हैया ने एक पैर से फन को दबा लिया अपनी बंसी से नाथ लिया और जब नाथ लिया नाथने के बाद नागिनिया कहने लगी क्या हो रहा है ये तो बच्चा था अब हमें ये मालूम पड़ता है ये कोई साक्षात देवता या भगवान है। कालिया नाग की पत्नियों ने दोनों हाथ जोड़े बोली हे भगवान मैंने जान नहीं पाया कि आपका अवतार हुआ मैंने कुछ जान नहीं पाया आपका अवतार हुआ दीन बंधु हमारे पति की भी हमारी गोदी में डाल लो। भगवान कन्हैया बोले अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी अब क्या हुआ। भगवान कन्हैया के आगे पत्नियां रो रही हैं कालिया नाग की हे श्याम कि हम हैं तामसी जीव स्वामी और तुम तो भगवान कन्हैया के बार बार हाथ जोड़ रही हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं नागनियों इसी बीच में ये 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं सूरजपाल जो इसी ग्राम आसलपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। कामना करूंगा भगवान बहुत लंबी आयु देता रहे मान सम्मान में भगवान कोई कभी ना करे। जैसे गंगा मैया बढ़ती हैं वैसे हमारे भाई साहब का परिवार रोजगार ही बढ़ता रहे। रो रही है भगवान कन्हैया ने ध्यान नहीं दिया। नागनिया कह नहीं है हे श्याम सुंदर हमारे पति की भीख हमारी गोदी में डालो बिना पति के जीवन में जीना जीना नहीं होता है स्त्री के लिए। दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए नागनिया पते ताने मांगती हूँ पते ताने